exercise, guys, and this is the second class of AP. So today I'll be telling you further from the class. तो उसके पहले मैं क्या करूँगा कि आपको जो previous class के जो questions हैं वो मैं solve करूँगा और उसके बाद फिर हम आज के topic की बात करेंगे. आज मैं आपको बताने वाला हूँ nth term का formula क्या होता है और कैसे उसको हम achieve करते हैं. ठीक है, तो कुछ लोगों को तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक लगता है जिनको समझ में आ जाता है, और जिनको नहीं समझ में आता तो उनको फिर बड़ी मुश्किल सी लगती है कि क्या होगा कैसे होगा. तो अगर आप ये पूरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मास्टर हो जाने वाले हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं जो प्रीवियस क्लास में जो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स थे तो मैं पहले उनको क्लियर करा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको आगे की nth टर्म के बारे में बात करता हूँ. सो कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट था एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम एनसीईआरटी. एंड अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पूछ रहा था कि इज दिस एन एपी और नॉट. ठीक है, तो अगर सिंपल जो रूल है दैट इज वो ये है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो होना चाहिए हर टर्म्स के बीच में, राइट? कॉमन डिफरेंस, राइट? तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं पहले दो टर्म के बीच में बात करूं तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म दिस वन माइनस दिस वन, यानी कि 3 + √2 - 3. तो अगर हम पहले जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले दो टर्म का वो निकल गया है √2. ठीक है, अब मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का. दिस इज अवर सेकेंड टर्म, ये जो हमारा है ये सेकेंड टर्म है और ये है दिस इज अवर थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. सो ये हो जाएगा हमारा 3 + √2 - 3 + √2. बिल्कुल, सो ये हो जाएगा 3 + √2 - 3 - √2. तो यहाँ से 3 और 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है, और 2 √2 - √2 तो ये आ जाएगा √2. अब आपको ये तो पता है ना कि 2 √2 और √2 में सबस्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो आप अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपल इसको ऐसे मान लो कि √2 इज अवर एक्स. तो अगर लिखा हो 3x, दिखाओ 2x - x, तो इसका रिजल्ट आता है हमारे पास x, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग कि 2 √2 - √2, यानी कि √2 की जगह x अगर आप मान लो तो 2x - x बचा कितना x, तो 2 √2 और √2 लिखा हुआ है तो बचा हमारे पास √2. आई होप इट इज क्लियर. तो पहले जो दो टर्म थे उनका डिफरेंस आया था √2 और दूसरे और तीसरे का डिफरेंस आया वो भी √2 आया. अब मैं क्या करता हूँ और अश्योर करने के लिए तीसरे और चौथे टर्म का भी डिफरेंस निकाल लेता हूँ. इनका निकालते हैं तो ये आएगा 3 + √2 - ब्रैकेट लगा देते हैं 3 + √2. ठीक है, तो अभी जो ये चीज चल रही है ये बहुत ही आसान सी है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है इसलिए मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सी कोई मुश्किल सी चीज नहीं है. सॉरी, यहाँ पे था 3 √2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, सो दैट इज 3 √2. तो मुश्किल सी चीज़ नहीं है, एकदम आसान सी है, फिर भी ठीक है, डाउट्स आर डाउट्स. और मैं इसको इनकरेज करता हूँ कि जिसको भी अगर छोटा सा भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें, बिकॉज अगर आप छोटा सा डाउट नहीं पूछोगे यही छोटा सा डाउट आपको कभी ना कभी आगे चलकर बड़ा हो जाता है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू जस्ट आस्क मी वेरी स्मॉल डाउट्स. अगर आपको ये डाउट डाउट ही रह जाएगा तो आगे आप मुश्किल सी चीजें नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने जो कॉमन डिफरेंस निकाला पहले दो टर्म का, मैं एक बार कलर अलग चेंज कर लेता हूँ तो आसानी रहेगी आपको समझने में. यानी कि मैंने इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाला, वो दैट इज केम एस √2. ठीक है, फिर मैंने दूसरे और तीसरे का निकाला. दूसरा और तीसरा कौन सा है, एक तो ये और ये दूसरे और तीसरे हैं, इनका डिफरेंस निकाला, दैट आल्सो केम एज √2. और तीसरे और चौथे का निकाला, तीसरा था ये और चौथा टर्म हमारे पास ये, यानी कि इन दोनों का निकाला, दैट आल्सो केम एज √2. अगर कॉमन डिफरेंस हर टर्म के डिफरेंस जो आ रहा है वो √2 ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ पार्ट नंबर 7. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है √2 फर्स्ट टर्म है,
थोड़ा सा मुश्किल ये है कि ऐसे भले ही आप इसको नॉट एपी कह दो, √8 - √2 तो ये एपी नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करो इसको तो √8 को लिख सकते हैं हम 2√2। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं 2√2, रूट आप इसको ऐसे लिख लो 2 × 2 × 2, करेक्ट। सो दीज आर द पेयर्स, दिस कम्स आउट, और इसको आप, और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो आप 2² × 2, तो ये 2² से 1 2 बाहर आ जाएगा एंड दैट बिकम्स एज 2√2। ठीक है, तो इस √8 को लिख सकते हैं हम 2√2। सिमिलरली √18 को आप क्या लिख सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज 2 × 9, राइट। 2 × 9 क्या हो जाएगा, 2 × 3², तो 3² से ये 3 आपका बाहर आएगा, बिल्कुल अभी भी नहीं समझ आ रहा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 × √3², क्लियर। तो √2 × √3² तो आपको पता ही है कि वो होता है 3, सो दैट कैन बी रिटन एज √2 × 3, करेक्ट। दैट कैन बी रिटन एज 3√2, क्लियर। सो दैट हैज बिकम नाउ 3√2। सिमिलरली ये जो आपका टर्म है √3 √32, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे यह होता है हमारे पास 2 to the power 5, 32। इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 to the power 4 × 2। तो 2 to the power 4 को अगर आप इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने में क्या होती है, पावर हाफ हो जाती है, बिकॉज स्क्वायर रूट इज की पावर जो होती है दैट इज होती है हाफ, राइट। ये तो पता ही होगा आपको, √x को लिख सकते हैं हम x की पावर हाफ, करेक्ट। तो इसलिए जब जो कुछ भी रूट से बाहर आता है तो उसकी पावर हाफ हो जाती है, तो √2 तो अंदर लिखा रहेगा और 2 to the power 4 बाहर आएगा, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, राइट। दैट हैज बिकम 2² 2² कितना होता है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2, यानी कि जो √32 हो गया उसको लिख लिया हमने 4√2 एंड डैश डैश। अब निकालना शुरू करते हैं कॉमन डिफरेंस, पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, यानी फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ का। तो पहले का निकालते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, दिस √2 को अगर हम x मान लें, यानी कि 2√2 − √2 दैट कम्स एज √2, 3√2 − 2√2 इनका डिफरेंस आएगा अगेन √2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इनको x मान लो कि अब √2 जो है वो x है, सो दिस विल बी हैविंग x, दिस विल बी हैविंग 2x 2x। अगर आपने x √2 को x मान लिया तो पहला टर्म हो गया x, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, ये हो गया 4x। तो डिफरेंस निकाला तो कितना निकला, इसका निकला x इन दोनों का, इन दोनों का निकला कितना x, इन दोनों का निकला कितना x, यानी कि x इज अवर √2। तो देखोगे तो जिनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है दैट इज अगेन कमिंग एज √2, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो एन एपी, बिकॉज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने की कंडीशन यही थी कि जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच में वो सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द सीरीज, क्लियर। अब हम बात करते हैं इस 14th XIV is 14th part. So first term is 1² तो ऐसे इसको सब्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। तो इनको मैं स्क्वायर को सॉल्व करके लिख लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3² is 9, 5² is 25, 7² is 14। अब अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे दे डेफिनेटली दे आर नॉट हैविंग सेम, 9 - 1 is 8, 15 - 9 is 16, 49 - 25 is how much 4, and 2 = 24। सो यू सी दिस इज नॉट सेम, ये वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं है सो दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, बहुत ही आसान से थे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड आई विल अगेन गेट बैक टू यू। फिर भी आपको डाउट है तो आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो matrixlearning@gmail.com, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको इमीडिएटली, बिकॉज मैं ऐसे बाकी कोई मेल्स का रिप्लाई करूँ या ना करूँ लेकिन मेल्स का रिप्लाई इमीडिएटली करता हूँ, ऐसा ही सी इट। हाँ, अगर मैं कुछ काम में बिजी हूँ देख नहीं पाया तो बात अलग है,
बिकॉज मेरा मानना है कि अगर स्टूडेंट कहीं पे स्टक हो गया है तो उसकी क्वेरी इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। अगर नहीं सॉल्व होती है तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन के डाउट्स पे आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, जैसे ही उनको कुछ डाउट होता है मैं इमीडिएटली उनको रिप्लाई करता हूँ। तो चलो हम अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो पढ़ते आ रहे थे कि सीरीज क्या क्या होती है, एरिथमेटिक सीरीज, जिसमें से फर्स्ट टर्म होता है ए, कॉमन डिफरेंस होता है डी। ठीक है, तो एक मैं अच्छी सी सीरीज का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं दिस इज अवर सीरीज 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है, 33 एंड 36। आप सोच रहे हो लिखते क्यों जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ सोच के लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं एक सीरीज लिख लेता हूँ जिसमें से फर्स्ट टर्म जो होगा, हम क्या करते हैं, पहली चीज तो आपको बताना होता है कि कौन सा टर्म है, राइट, कौन से नंबर पे क्या वैल्यू है। तो ये दो एक कंफ्यूजन रहते हैं बहुत ज्यादा, मैं बता देता हूँ आपको। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है, मतलब फर्स्ट, जैसे मैं बात करता हूँ ना फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मतलब कुछ कुछ सोच लेते हैं लोग कि पांच लिखा हुआ है वहां पे, पांच लिखा नहीं हुआ है, वैल्यू मतलब नंबर, पांचवें नंबर पे क्या वैल्यू है उसकी बात कर रहा हूँ। कैसे कि जैसे, चलो इसको कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से मैं, कि जैसे ये है एक नंबर पे, राइट, तो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ये दो नंबर पे लिखा हुआ है, लिखा कितना है 21 लिखा हुआ है बट दो नंबर पे है, ये लिखा हुआ है तीन नंबर पे, दिस इज आवर फोर्थ टर्म, दिस इज अवर फिफ्थ टर्म, सिमिलरली दिस इज सिक्स, चलो इसको भी लिख देता हूँ मैं सिक्स टर्म, दिस इज अवर सेवेंथ टर्म। तो ये नंबर है कि कौन सी वाली सीक्वेंस पे लिखा हुआ है। अब वैल्यू क्या है उसकी, अब जैसे बात करूं मैं फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म मीन्स दिस इज 27। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म का मतलब नहीं है कि वहां पे सेवन लिखा हुआ है, नॉट एट ऑल, नो 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 नो, वहां पे क्या लिखा हुआ है 36, यानी सेवेंथ टर्म इज अवर 36। तो इन्होंने जनरलाइज करने के लिए क्या करा है कि इनको एक वैल्यूज दे दिए। कैसे लिखते हैं इनको, कि फर्स्ट टर्म वी राइट इट एज A1, ठीक है, सेकेंड टर्म वी राइट इट एज A2, थर्ड टर्म वी राइट इट एज A3, फोर्थ वी राइट इट एज A4, A5, A6, A7, राइट। तो अगर मैं इसको एक जनरलाइज सीरीज की बात करूं, सीरीज जो अगर जनरलाइज बनेगी, ये तो होगी वैल्यूज जो मैंने एक्चुअल वैल्यूज लिखी न्यूमेरिकल डिजिट्स में, लेकिन अगर जनरलाइज टर्म में सीरीज की बात करें तो हमारी सीरीज क्या होगी, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, वट एवर, मतलब कितना भी तक भी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट इज अवर सीरीज। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि A4 की वैल्यू क्या है, तो अगर मैं इस सीरीज की बात करूं जो मैंने ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे, तो A4 की अगर कोई बात करता है, A4 का मतलब है कि फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म कितना है इस सीरीज में, दैट इज 27। सो A4 इज अवर 27, A4 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 27। कोई आपसे पूछता है A3 कितना है, तो A3 कितना है, तीन नंबर पे क्या लिखा हुआ है, A3 है, सो A3 विल बी अवर 24। बिल्कुल, कोई आपसे पूछ लेता है A9 कितना है, A9 कितना है, A9 तो लिखा ही नहीं सर आपने, तो उसको बता देता हूं मैं। अब सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो आगे, तो 36 के बाद कितना आएगा 39, 39 के बाद आ जाएगा आपका प्लस 3 करोगे, राइट, प्लस 3 करते जा रहे हैं इन सब में, तो प्लस 3 अगेन फिर से करेंगे, सो दैट विल कमिंग एज 42। तो ये तो गया है 7, दिस इज अवर A8, दिस इज अवर A9, तो A9 की वैल्यू हो जाएगी 42। बिल्कुल, तो आपके मन में एक सवाल सा उठ रहा होगा कि चलो अभी A9 तो था आपने निकाल लिया यहाँ पे कि 42 था, अगर आपसे कल को कोई पूछ लेता कि A25 की वैल्यू बताओ, यानी कि 25वां टर्म क्या होगा इस सीरीज को, अगर मैं इसको और आगे तक एक्सटेंड कर दूं तो 25वां टर्म की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा कि अरे 25वें तक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। तो
इसको करने के लिए क्या करता हूँ, मैं इस वाले फॉर्मूले को जो मैंने सीरीज यहाँ पे बनाई है इसको एक जनरलाइज टर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज टर्म में लिख लूंगा तो थोड़ी सी आसानी होगी आपको समझने में, और हम फिर मुश्किल मुश्किल चीजें भी निकालती चले जाएंगे। ए 25 निकाल लें, कल को आपको एक 125 कोई पूछता है, या A37 पूछता है, A98 पूछता है, कुछ भी आप जनरलाइज कुछ भी नंबर निकाल सकते हो, हर वैल्यू निकाल सकते हो आप। लेकिन उसके लिए समझना जरूरी है कि कैसे हम उस वाले टर्म तक पहुंच रहे हैं, राइट। तो अब हम करेंगे nth टर्म, करेक्ट। तो अभी हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जनरलाइज सीरीज क्या थी, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, लाइक दैट इट वाज सीरीज, बिल्कुल। अब इसमें दो चीजें आपको पता थी, एक तो है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज ए। दूसरी चीज है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वी राइट इट एज डी। तो अगर आप इस जनरलाइज सीरीज की बात करो जो ऊपर लिखी हुई है इस सीरीज में, तो यहां पे ए कितना है, फर्स्ट टर्म जो होगा, राइट। तो ए है यहाँ पे A1, फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। अगर सीरीज लिखी होगी तो फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहले नंबर पे आ रहा है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो ए यहाँ पे हो गया A1। डी कितना है, डी कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वी राइट इट एज A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, कुछ भी हो सकता है बिकॉज दिस इज एन सीरीज, तो ये सारी वैल्यू सेम ही होंगी, इक्वल, राइट। तो दो चीजें हो गई, एक तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया ए, दूसरा हो गया डिफरेंस डी। यानी कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, है ना, आपको फर्स्ट टर्म ए दे दिया गया कि हमारा आपकी सीरीज जो है वो है ए, राइट, यानी कि A1 की जगह पे हम A लिख सकते हैं बिकॉज वी राइट इट एज A। अगर आपको सेकेंड टर्म A2 लिखना हो कि A2 कितना होगा, A2 कितना होगा, A1 में यानी प्रीवियस टर्म में कितना ऐड कर देते हैं हम नॉर्मली, कॉमन डिफरेंस, तो दैट कैन बी रिटन एज A+D। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। अगर आपकी सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11, 13 कंटिन्यूअसली, राइट, इट्स कंटिन्यूअस आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है ए, यानी कि यहाँ पे मान लो कि आप ए है, दिस इज अवर ए, तो यहाँ पे आपने 3 लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज अवर ए ही है। डी यहाँ पे कितना है, 2, राइट, 5 माइनस 3, और 7 माइनस 5, और 9 माइनस 7, या फिर 11 माइनस 9, कुछ भी करोगे तो डी की वैल्यू जो आएगी वो 2 ही आएगी, राइट। अगर आपको ए सेकेंड टर्म लिखना होता A2, राइट, आपको 5 लिखना होता, तो 5 कैसे लिखते हैं आप, 3 में से आपने 2 ऐड कर दिया, या यूं कह लें कि आपने इस ए में, इस वाले ए में आपने क्या ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया, राइट। तो वी कैन गेट द नेक्स्ट टर्म एज A+D, यानी कि ए है हमारा 3 और डी था 2, सो दैट्स व्हाट वी गेट इट एज A+D, सो A2 वी हैव रिटन एज A+D। अब आपकर आपको ये सेवेंथ, उसके बाद का टर्म लिखना हो, उसके बाद का टर्म लिखना है आपको ये वाला, तो क्या करते हैं आप, पीछे वाला जो टर्म है, राइट, पीछे वाले टर्म में आपने 2 और ऐड कर दिया, राइट, यू हैव पुट इट एज 5+2 एंड यू गॉट द नेक्स्ट टर्म एज 7। यानी कि जो पीछे वाला टर्म है उसमें आपने 2 की बजाय हमने डी ऐड कर दिया, यानी कि 5+D, वट एवर इट वॉज वैल्यू। अब पीछे वाला टर्म में यहाँ पे कितना था, A+D, राइट, A+D में हमने D और ऐड कर दिया, देन वी गॉट द नेक्स्ट टर्म हियर। तो यहाँ पे A+D, यानी कि नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास A+D, और उसमें आपने +D और कर दिया, यानी कि ये हो गया A+2D, यू गॉट द नेक्स्ट टर्म एज A+2D, ठीक है। अब अगर आपको उसके आगे का टर्म लिखना है, यानी कि 9 लिखना है, फिर आपने क्या किया, उसमें से 2 और ऐड कर दिया, 2 मतलब डी और ऐड कर दिया, यानी कि A+2D में डी आपने और ऐड किया, सो नाउ इट हैज बिकम A+3D।
3d। अब आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी दिख रही होगी, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, राइट, कंटिन्यूस। ये तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे आप करते हुए चले जा रहे हैं, वेरी नाइस। अब अगर आप मैं इन सीरीज के टर्म्स में लिखूं, जो आपको जनरलाइज सीरीज A1 लिखी हुई, यानी कि A1 की जो वैल्यू हो गई दैट इज A, A2 जो हो गया दैट इज अवर A प्लस D, राइट, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, समझ में आ रहा आपको, A4 हो गया आपका A प्लस 3D, समझ में आया, A5 हो गया आपके पास A प्लस 4D। अगर आपको ध्यान से देखो तो आप ये सोच रहे होगे, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 के जगह पे 1 यहाँ पे आ गया, जब यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे ये 2 आ गया, जब यहाँ पे ये 4 है तो यहाँ पे 3 आ गया, जब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 आ गया। तो अब आपको एक कॉमन सा वैल्यूज दिख रही होगी कि कैसे आपको A9 लिखना होगा। अगर आपको A9 लिखना हो यहाँ पे तो A9 आप ऐसे लिख दोगे A प्लस 8D, राइट, यानी कि जितनी जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हो, जो भी आपको टर्म निकालना हो उसमें से एक कम मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस ए एंड यू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो मैं इसको जनरलाइज क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ इसको, दैट वी कैन राइट इट एज ए प्लस 2 माइनस 1 डी, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपके 2 2 सिमिलर सिमिलर हो जाएगा यहाँ पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल। इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो अब अगर आपको यही लिखना हो कि चलो हम आपको 25वां लिखाना है, राइट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द 25th टर्म, तो 25th टर्म क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूं A25। तो A25 हो जाएगा आपके पास A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। अब चलो कोई मैं आपको जनरलाइज नंबर देता हूं, ये नंबर 25 ना देके मैं यहां पे लिख देता हूं n, ऐसे an। अब आपको क्या करोगे, जहां पे 25 लिखा था वहां पे 25 की जगह पे सिर्फ आप एन लिख दोगे, बाकी का बाकी पूरा वही का वही, उस पर कुछ भी आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। सो दिस इज व्हाट वी गॉट द nth टर्म। nth इज जस्ट आर्बिट्री वैल्यू, कल को आपको कोई बोलेगा कि आप 18वां निकाल दो या 63 नंबर निकाल दो, कुछ भी नंबर निकालना हो तो आपको कोई बोल देता है कि आप चलो 63 टर्म्स निकाल दो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ए 63 इज इक्वल्स टू ए प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी, दैट्स हाउ वी गॉट इट। नाउ इट हैज बिकम ए प्लस 62 डी। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बिकॉज अभी मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही खेल रहा हूँ, मैं आपको इस वाले एग्जाम्पल में निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ए लिखा हुआ है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, लेट मी टेक इट एज ग्रीन, या ग्रीन इसको। तो चलो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना था, 3, डी कितना है, 2, राइट। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको ये जिस जो टर्म सामने लिखा हो ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, यानी कि ये है हमारा नंबर 1, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। सिक्स टर्म, व्हाट विल बी द सिक्स टर्म अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो कैसे लिखोगे, ए सिक्स निकालना है आपको, राइट, ए सिक्स कैसे हो जाएगा, ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए कितना था, 3, प्लस दिस इज 6 माइनस 1 इज 5, डी इज 2, सो दिस इज 3 प्लस 5 2 इज 10 एंड दैट इज 13, यू सी दैट्स व्हाट वी गॉट इट 13। तो चलो अभी तो 13 दिख रहा था, अभी आपको कोई कह देता है कि चलो आप ऐसा करो, आपको 22nd टर्म बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 22nd टर्म। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, ए 22 विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 22
माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, चलो अभी डी लिख लेता हूँ उसको, सो दैट्स व्हाट वी गेट इट एज, ए की वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस 21 इंटू डी इज, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 3 प्लस, सो दिस इज 3 प्लस 21 इंटू डी, डी इज वैल्यू ओवर 2, यानी कि 3 प्लस 21 टू जा इज 42, दैट इज 45, राइट। सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द A22। अगर अगर आप ये फॉर्मूला यूज ना करते या एक जनरलाइज टर्म यूज ना करते तो क्या होते है? आप 25th तक ये 22nd तक आप सीरीज एक्सपैंड कर रहे होते, फिर आप काउंट कर रहे होते भाई कितना तक पहुंचेगा, देन यू माइट हैव टोल्ड कि यार क्या वैल्यू होगी। तो ये हम अगर ट्रिक्स यूज करेंगे या ये फॉर्मूला यूज करेंगे सो वी गेट द करेक्ट रिजल्ट। इस ये जो ए मैं बात कर रहा था ए एन, इसको हम कई बार लिखते हैं टी एन, टर्म नंबर, टर्म नंबर कितना टर्म नंबर इसका है। सो this a n can written as t n and the formula is a plus n minus 1 into d, clear? So that's what we'll be using in this exercise 5.2. let me double circulate. Oh, this is not circular, I'm using a, sorry, saying a circular, this is a rectangle. Oh, okay, double rectangle, fine. So let's say it double rectangle it. I hope it is clear to you. I have explained in a very cool manner, and still if you have any doubt just write it in the comment section, I will get back to you. Now let's solve the examples of this exercise 5.2. so this is example number 3 and they are saying to calculate the 10th term of this AP. AP kya hai? 2, 7, 12. 10th term nikalna hai hame. To pehle ka kaam hota hai aapko, sabse pehle jo kya nikalna hai aapko? First term. First term yaha pe hai A. A is 2 here. Next thing you have to calculate D. D is second term minus first term. Yani ki 7 minus 2. That is 5. So you have got the value of first term. You got the value of second term. Now we will use the formula as T10, or you can write it as A10, whatever you want to write. You have no problem in writing this one. And we got it as how much? Formula chalo abhi isko likh leta hu main, generalized wala. Generalized formula iska hota hai Tn is equals to A plus n minus 1 into D. Theek hai? तो अब हम लिख रहे हैं टी 10, तो 10 हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज अवर 10 माइनस 1 इंटू डी। अब मैं ए और डी की वैल्यू भी पुट कर देता हूं इसमें, सो ए इज 2 हियर, दिस इज 10 माइनस 1 इज 9 एंड डी इज अवर 5, सो दिस इज 2 प्लस 9, 5 इज 45, सो दिस कम्स एज 47। सो हमारा जो 10th टर्म होगा दैट विल बी 47, ठीक है। 10 नंबर पे इस सीरीज पे जो वैल्यू आ रही होगी वो लिखा होगा 47, ठीक है। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 4, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज माइनस 81, विच टर्म ऑफ दिस एपी, विच टर्म मतलब कि अभी तक आपको टर्म की वैल्यू निकालनी थी कि कौन सा टर्म पे कौन सी वैल्यू होगी, यानी कि आपको 22वां या 25वां या 18वां या 21वां कुछ भी वैल्यू पे कौन सी वैल्यू होगी वो निकालना था। अभी इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि माइनस 81 कितने नंबर पे आएगा, ठीक है। यानी कि अब निकालना है हमें, जो एन की बात कर रहे थे अब हमें ये एन निकालना है कि कौन से नंबर पे ये 81 आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है आपका 21, पहले नंबर पे, दूसरे पे आ रहा है 18, तीसरे पे आ रहा है 15, तो ऐसे ही हम करते जाएंगे, तो फोर्थ पे कुछ आ रहा होगा, फिफ्थ पे कुछ आ रहा होगा, सिक्स पे कुछ आ रहा होगा, तो कौन से पे ऐसे करते करते आपका माइनस 81 कौन से नंबर पे आ रहा होगा,
18 पे, 20 नंबर पे, 30 नंबर पे, 40 नंबर पे, कौन से नंबर पे, 21, 81 ये आ रहा है, T1 आपको आ रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेट द n। तो एक वेरिएबल आपको निकालना है, फॉर्मूला इसका क्या होता है फिर से मैं लिख देता हूँ, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको टी एन की वैल्यू है, यानी कह लें कि ए एन की जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 81, यानी कि आपको इस वैल्यू के अगेंस्ट आपको एन निकालना है कि कौन सी एन नंबर पे ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, माइनस 81 इज इक्वल्स टू ए, ए चलो पहले लिख लेता हूं, मैं ए नहीं लिखा था मैंने, ए इज 21 बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज 21 हियर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डी, सो डी इज अवर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म इज अवर 18 माइनस फर्स्ट टर्म इज 21, दैट इज माइनस 3। अब आपको थोड़ा सा माइनस 3 देखो, ये आइडिया लग रहा होगा कि ये सीरीज जो है धीरे 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 कम होती जा रही होगी, वो आपको दिख भी रही, वैसे 21 पहले था, फिर 18 हो गया, फिर 15 हो गया, so 18, 15 and these are just continuously decrementing. So if the values are decrementing, यानी कि ये सीरीज धीरे धीरे ऐसे होके चली जाएगी माइनस 81 पे। ठीक है, तो माइनस 81 यहाँ पे ने लिख लिया, और इसके बाद आपने लिखा यहाँ पे a, a की वैल्यू है 21 प्लस n आपको निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस 3। ठीक है, सो दिस कैन बी 21 प्लस, या कह लें कि ये चलो अभी इसको रख लेते हैं, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, सो दैट्स हैव बिकम माइनस 3 टाइम्स n, सो माइनस 3n प्लस 3 लाइक दिस, सो दिस इज माइनस 81, माइनस 81 हो जाएगा आपका 21 माइनस 3n प्लस 3। सो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस 3n को इधर ले आते हैं, दैट विल बी पॉजिटिव 21 प्लस 3 दैट इज 24, ये 81 माइनस का था, इक्वल्स के राइट साइड मिलाते हैं, सो दैट विल बी प्लस 81, सो ये हो जाएगा आपका 4, 5 एंड 105, सो n कम्स एज 105 डिवाइड बाय 3, और वी कैन राइट इट एज 3 3 3 5 दैट इज 35, सो 35th टर्म विल बी द माइनस 81। क्लियर, यानी कि 35वें नंबर पे आपका माइनस 81 आएगा अगर आप इस सीरीज को एक्सपेंड करो तो। ठीक है, तो पहला चीज तो हमने निकाल दिया, दैट इज वेस्ट टर्म ऑफ एपी इज माइनस 81। नेक्स्ट वी हैव वन मोर, यू नो कुछ क्वेश्चंस में हम कुछ थोड़ा पूछ लगा देते हैं, तो इस क्वेश्चंस में एक पूछ सी लगी हुई है, पूछ क्या है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो हियर। आहा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, कि उन्होंने बोला कि अगर हम इस सीरीज को एक्सपैंड करते जाएं, राइट, इस सीरीज को हम एक्सपैंड करते जाएं तो क्या कहीं बीच में आपको जीरो मिल जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा कि 21, राइट, 21 पॉजिटिव है, फिर 18 है, तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ फॉर द सेकेंड पार्ट, सो पहला आपको 21 था, फिर कम हुआ 18 हो गया, फिर और कम हुआ 15 हो गया, और फाइनली ये कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट होता जा रहा है, माइनस 81 तक पहुंचा, यानी कि डेफिनेटली जीरो कहीं में बीच में तो आया ही होगा, राइट। अब आपको सोच रहे हो कि यार जीरो तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, बोला ऐसा क्यों पूछ रहा है कि यार इज एनी टर्म जीरो, ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो जीरो तो बीच में आएगा ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि जीरो ना आए। चलो ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जीरो ऐसा कैसे हो सकता है कि जीरो बीच में ना आए। मान लेते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी सीरीज ऐसी पहुंच रही है कि जीरो के पहले का टर्म आ रहा है माइनस, नहीं, प्लस वन, ठीक है, वन, और इसके बाद का जो टर्म आएगा वो कितना होगा, यानी कि ऐसे मान लो इसको चलो करते जाए 21, 18, 15 कम होता जा रहा होगा, कम होता जा रहा होगा, फाइनली आपको पहुंच जाता है 1 पे। अब आपने इसमें माइनस 3 ऐड किया, तो माइनस 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, माइनस 2। अब यानी कि इस एक टर्म था 1, उसके बाद अगला जो टर्म आया वो हो गया माइनस 2, यानी कि वैल्यू जो हुई 1 से जंप होकर सीधे सीधे माइनस 2 पे पहुंच गई, बीच में जीरो कोई टर्म था ही नहीं, गॉट इट।
समझ में आया ना आपको? नहीं समझ में आया, ओके चलो फिर से बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि जैसे आप नंबर लिखते चले जा रहे हो, ठीक है, आप दो ये तीन तीन नंबर छोड़ के लिखते हुए चले जा रहे हो। मान लेते हैं आपका जो सीरीज है वो ऐसे कुछ चल रही है कि सीरीज लिखी हुई है 8, ठीक है, उसमें से आपने तीन कम किए, नेक्स्ट टर्म आया 5, 5 में आपने फिर से तीन कम किए, आ गया आपके पास 2, 2 में से आपने फिर से तीन कम किए तो आ गया आपके पास -1, फिर से तीन कम किए आपने -4, फिर से आपने तीन कम किए -7। देखा देखा आपने, यहाँ पे बीच में जीरो कोई टर्म नहीं है, वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, फिर भी कोई टर्म जीरो बीच में नहीं है, मतलब वैल्यू कोई नहीं आई, इट हैज गोइंग पास थ्रू इट बट कोई टर्म जीरो नहीं। तो वही वो पूछ रहा है कि इज एनी टर्म जीरो इन दिस सीरीज और नॉट, राइट। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम, तो मैं मान लेता हूं कि जीरो इसका कोई टर्म है, ठीक है, मैं मान लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन में जब भी करना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जीरो इज अवर टर्म, यानी कि टी एन इज अवर जीरो। अब मैं उसका नंबर निकालता हूँ कि कौन से वाले नंबर पे ये वैल्यू एन आ रही होगी, ठीक है, निकालते हैं उसको। सो फॉर्मूला हमारा वही था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो जीरो विल बी इक्वल्स टू ए कितना था 21 प्लस एन, एन ही रखना है एन माइनस वन, और डी रखना है -3, ठीक है। जीरो विल बी इक्वल्स टू 21 -3n +3। सो दिस बिकम्स एज 21 +3 इज 24 -3n। इस 3n को इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो दिस बिकम्स एज 3n इज इक्वल्स टू 24। एन की वैल्यू जो आई वो आ गई है आपके पास 8। अब थोड़ा सा फोकस करो तो एन की नंबर आ गई 8, इसका मतलब कि जीरो इस वाली सीरीज में आएगा। कैसे आएगा सर, आपने कैसे बता दिया कि जीरो आएगा और जब पिछले वाले नहीं आया था, कैसे बता दिया आपने? इसके लिए कंडीशन ये होती है कि अगर एन की जो वैल्यू आ रही है, इफ दिस इज एन इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो होता है जो फ्रैक्शन में ना लिखा हो, यानी कि दशमलव में ना लिखा हो, पॉइंट्स में ना आ रहा हो, 8.22 आ रहा है, इट मीन्स दैट इज नॉट एन इंटीजर, पूरा पूरा आना चाहिए 2, 3, 5, 6, 8, 10, राइट, बिकॉज वो इसलिए आना चाहिए बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं ऐसे बात कर रहे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा। कभी हमने तो ऐसा नहीं कहा ना कि 2.5 टर्म्स या 2.33 टर्म्स, राइट, ऐसा तो नहीं कहा हमने। तो अगर आपकी वैल्यू ये इंटीजर आ रही है, इसका मतलब कि वो टर्म एग्जिस्ट करता है, अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, यानी कि 2.3 आ रही है, 2.4, 2.5, 2.6, इसका मतलब कि वो टर्म उस सीरीज में नहीं है, वो वैल्यू बीच में होके निकल जा रही है। समझ में आई बात? अभी भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें एग्जाम्पल ले जाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, जो मैंने ये लिया था, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो समझने में आपको आसानी रहेगी। इस वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ कि इस ब्रांड में जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस सीरीज की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए ए इज 8, ठीक है, और इसमें जो डी है, डी अगेन इसका जो है वो -3 है, 5 -8, अगर हम करेंगे 5 -8 दैट इज कमिंग एज -3, ठीक है। अब इसका निकालते हैं कि क्या इसके बीच में जीरो कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जीरो हम मान लेते हैं कोई टर्म है और ए इसका है 8, ठीक है, प्लस एन निकालना है आपको n-1, और डी की वैल्यू है इसकी -3, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू 8 प्लस, और यहाँ -3 और मल्टीप्लाई करा देते हैं ऐसे, तो दैट इज कमिंग एज -3n+3। सो ये हो जाएगा आपके पास जीरो इज इक्वल टू 8 -3n+3, यानी कि 3n को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड किधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में 3n को, तो 3n विल बी इक्वल टू 11, और इससे अगर आप n की वैल्यू निकालते हो तो दैट विल बी कमिंग एज 11/3। 11/3 को आप लिख सकते हैं ऐसे 3.66। देखा, इस पे आ गई ये वैल्यू फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन पे आ गई, मतलब कि इस वाली सीरीज में जीरो बीच में नहीं आएगा, गॉट इट। अब अगर ये वैल्यू 3 आ जाती तो मतलब ये बीच में आ रहा होता, तो दो सीरीज है आपके पास, आपने देख लिया, एक तो ये सीरीज में जीरो बीच में आ रहा है कहीं पे, और एक दूसरी सीरीज ये हो गई जिसमें जीरो कहीं पे बीच में नहीं आ रहा है।
Still, if you have any doubt, just mention in the comment. I will get back to you immediately. Let's move to the next example. Which of the term AP is, I think this is a repeated one. Sorry, I have just copied it again. Okay, let's go to example number 5. This is example number 5. Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. ध्यान देना है आपको, यानी कि जिसका A 3 है 5 और A 7 है उसका 9. ठीक है, यानी यू कह लें कि T 3 है 5, term 3 is 5 and term 7 is 9. ठीक है, जो जनरलाइज फॉर्मूला है इसका, दैट इज टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. मुझे इस क्वेश्चन में ना तो ए पता है, मुझे नहीं पता व्हाट इज ए, ना मुझे डी पता है कि डी क्या है. दोनों चीजें मुझे नहीं पता है, ना मुझे ए पता है ना मुझे डी पता है, तो मैं इन दोनों को वेरिएबल लेके चलूंगा. ए इज ऑल्सो वेरिएबल हियर, डी इज ऑल्सो वेरिएबल हियर. हमें पता क्या है इस वाले सीरीज में, इसको मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे एक बीच में लाइन खींच देता हूँ. ठीक है, इस वाले पार्ट में एन पता है, इस वाले पार्ट में एन है 3, इस वाले पार्ट में एन है 7. ठीक है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पहले टी थ्री के लिए. टी थ्री जो है वो होगा आपका ए, बिकॉज ए मुझे पता नहीं है तो मैं ए ऐसे लिख ले रहा हूँ. एन आपको पता है तो आप इसको लिखोगे 3 माइनस 1 इंटू डी, भी मुझे नहीं पता है तो मैं डी भी वैसा के वैसे ही लिख लूंगा. ठीक है, पता क्या है आपको, उन्होंने बोला है कि थर्ड टर्म इज 5, यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू आपको पता है, यानी कि टी थ्री जो है वो है आपका 5 है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी 5 की वैल्यू रख देता हूँ. सो दिस 5 विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 इज 2, सो ए प्लस 2d. राइट, यहाँ पे आपका इस तरफ का क्लाइन की इस तरफ का काम पूरा हो गया. अब हम बात करते हैं इस सेवेंथ टर्म की. सेवेंथ टर्म को लिखेंगे हम ऐसे, टी सेवन इज इक्वल्स टू, अगेन ए वी डोंट नो हियर, 7 माइनस 1 इंटू डी, सो दैट इज टी सेवन कम्स एज ए प्लस 60. यहाँ पे भी आपको टी सेवन पता है, इन्होंने कहा है सेवेंथ टर्म इज 9. So T7 is 9, that's what we have written here. So 9 will be is equals to A plus 6D. Right, so it has becomes as two variable equation whose equations are, first equation is that and this is our second equation. तो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को. तो मैं चलो अभी यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सबस्ट्रैक्ट करता हूँ इसको, ऐसे ए प्लस 2d प्लस सबस्ट्रैक्टेड, सो दिस विल बी माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल हो गया इसका, दैट हैज बिकम एज 4, यानी कि यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 5 इज 4, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे, दैट इज बिकम अगेन 4d. डी आपका जो निकल के आया 4t इज इक्वल टू 4, तो डी निकल के आया यहां से 1. अब इस t इज इक्वल टू 1 आपको आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में. मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन रख देता हूँ इसको. सो 5 विल बी इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी इज 1 ईयर, सो ए विल बी इज इक्वल टू ए प्लस 2, 2 इज 2, दैट इज इक्वल टू 5. So A will be 5 minus 2, that is our 3. आपको A भी पता हो गया, D भी पता हो गया. हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट निकालना है क्या हमें. Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. अब सीरीज निकालने के लिए क्या होता है, सीरीज कैसे बनती है, A A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ए प्लस 4d, ऐसे ही करते हुए चले आते हैं. राइट, या फिर आसान भाषा में कहें तो कैसे लिखते हैं, ए लिख ले आप, सबसे पहले ए लिख लेते हैं और ए में से d ऐड करते जाते हैं, तो नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 4, यानी कि 3 प्लस 1 इज 4, प्लस 1 करेंगे इस पे, सो दैट इज 5, फिर एक ऐड करेंगे तो 6, दैट इज 7, 8,
9, 10, राइट। अब आपको वेरीफाई करना है तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। उन्होंने कहा है थर्ड टर्म इज 5, सो टर्म कैसे हो गया आपके, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, नंबर एक पे लिखा हुआ है, यानी कि A1 ये हो गया, दिस इज अवर A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5, A6, A7। अगर आप देखो तो ए थी थर्ड टर्म इज 5, राइट। सो दिस इज अवर थर्ड टर्म 5 एंड सेवन टर्म इज 9, सेवन टर्म इज दिस वन 9, यू सी दैट्स व्हाट वी हैव गॉट द। इसका मतलब है जो हमने किया है वो एकदम सही किया है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमेशा ऐसे करके वेरीफाई करता था, बिकॉज एक डर सा रहता है जब आप पेपर करते हो तो आपको डर सा रहता है, पता नहीं यार जो निकाला है वो निकाला है। हाँ आप घर पे बैठ के करोगे तो श्योर रहेगा कि बिकॉज पीछे से आंसर पढ़ना पलटे, ओहो आंसर हाँ वेरी गुड सही। लेकिन जब आप पेपर करने जाते हो ना तो पेपर में बड़ा कंफ्यूज होते हो कि यार जो निकाला है पता नहीं सही है कि नहीं सही, आप फिर भी मन लगा के करते हो पूरा, एकदम लगता है कि एकदम सही किया है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की, बट फिर भी एक डर रहता है कि पता नहीं सही किया कि नहीं किया। तो अगर कुछ क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका मिल जाता है ना तो फिर मजा ही आ जाता है लाइफ में, यार बस अब तो पक्का सही है। सो दैट्स हाउ वी कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई इट कि यार हाँ ऐसे करके ये वैल्यूज एकदम सही है। गुड, लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज टर्म ऑफ लिस्ट नंबर्स दिस वन और नॉट। जैसे ही हमने अभी एक जीरो वाला क्वेश्चन किया था कि जीरो को हमने चेक किया था उसमें वैल्यूज पुट करके, अगर वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही थी यानी कि डेसिमल आ रही थी तो वो टर्म नहीं था, यानी कि अपने एन निकालेंगे हम, और इफ एन इज डेसिमल आ रहा होगा तो डेसिमल केस है तो वो नहीं होगा टर्म, और अगर एन इज एन इंटीजर वैल्यू तो फिर वो उस पर आ रहा होगा, यानी कि वो उस पर एग्जिस्ट करता है। तो बस हम सिर्फ लास्ट टर्म मान लेंगे 301। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी जो बताई गई है वो लास्ट टर्म को बता देता हूँ मैं, लास्ट टर्म को हम लिखते हैं एस एल, तो आप इसको एल भी लिख सकते हो कहीं कहीं पे, वैसे आप नहीं याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इसको टी एन मान के भी कर रहा हूँ कि टी एन इज अवर 301 ईयर, यानी कि लास्ट टर्म जो है 301 है। और इस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे पहले हम ए और डी लिख लेता हूँ, ए है 5 और डी है दैट इज 11 माइनस 5 दैट इज 6, ठीक है। तो ए और डी आपको दोनों निकलना है। अब आप लिखोगे फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन की जो वैल्यू है दैट इज 301, हमें निकालना है एन, ए की वैल्यू है 5, एन हमें निकालना है तो उसको हम ऐसे के ऐसे ही रखे रहेंगे और डी हो गया आपका 6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 301 विद इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, 301 इज इक्वल टू 5 माइनस 6, तो हो जाएगा आपका 6n माइनस 1, 5 माइनस 6 इज माइनस 1। अब मैं 6n को इस तरफ ले आता हूँ, 6n माइनस 1, सॉरी गाइस देयर इज सम पावर कट, आई विल जस्ट होल्ड ऑन विद मी, आई थिंक इट इज आई एम जस्ट नॉट डिस्प्ले, सो लेट्स कंटिन्यू। 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 301 एंड 6n विल बी इज इक्वल टू 301 प्लस 1 दैट इज 302, ठीक है। तो आपका 6n निकला है, राइट। अब आप इसे n निकालोगे तो n विल बिकमिंग एज 302/6, इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पास 50.33, मतलब कि ये डेसिमल वैल्यू है, इट्स नॉट एन इंटीजर। नॉट इंटीजर का मतलब ये है कि ये जो 301 है इस वाली सीरीज में नहीं आएगा, आप इसको सीरीज में एक्सपेंड करोगे तो कहीं पे भी आपको 301 आपको नहीं मिलेगा, इसके आगे और पीछे की वैल्यू मिलेंगी, यानी कि आपको 300 मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर, मतलब वो भी निकालना पड़ेगा 300 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज इनका डिफरेंस जो है 6 का है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यूज आ रही होंगी 6 वैल्यूज छोड़ छोड़ के आ रही होंगी, तो नॉट श्योर कि 300 भी आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ 301 उसमें सीरीज में कहीं नहीं आएगा, ये हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया यहाँ पे, 301 कहीं पे भी 301 विल नॉट गेट एनीवेयर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 दे आर सेइंग एज हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3,
हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री। तो अगर आप टू डिजिट नंबर की बात करो तो कौन सा पहला टू डिजिट नंबर होता है जो डिविजिबल होता है थ्री से, दैट नंबर इज 12, राइट। और उसके बाद का कौन सा नंबर होता है 15, उसके बाद कौन सा होता है 18, ये टू डिजिट नंबर है। कहाँ तक होते हैं टू डिजिट नंबर, 99 तक, 99 के बाद कुछ होता है नहीं होता, राइट। तो लास्ट टर्म व्हाट वी गेट इट एज, बिकॉज अगर 99 के ऊपर जाओगे तो दैट विल बिकम एज 100, 100 इज थ्री डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर की आपको जो सीरीज मिली दैट इज 12, 15, 18 एंड 1999। अब आपको निकालना सिर्फ ये है कि इन 99 तक जो है कितने टर्म्स आपको है आपके पास हैं, ठीक है। यानी कि 12, 15, 18, यानी कि फर्स्ट टर्म इज 12, 15 इज सेकेंड टर्म, 18 इज थर्ड टर्म, 99 तक होते होते कितने टर्म आपके पास है, यानी कि आपको एन निकालना है इस सीरीज में। लास्ट टर्म आपके पास है यानी कि टी एन यू आर हैविंग दैट इज 99, सम ऑफ द गाइज राइट इट एज एल, लास्ट टर्म ऐसे लिखते हैं। तो कभी कभी फॉर्मूला लोग ऐसे भी लिख देते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ऐसे भी ये लिखा जाता है, ठीक है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी एन वी कॉल इट एज 99। ए इस सीरीज की अगर बात करें, इस सीरीज से ए जो निकल के आएगा, ए इज और फर्स्ट टर्म इज 12, डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 15 माइनस 12 दैट इज 3, ठीक है। तो निकाल लेता हूँ मैं, डी निकाल के आ गया। अब इसको फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज टी एन इज इक्वल टू ए, ए इज अवर 12 प्लस एन माइनस वन, एन हमें निकालना है, डी है 3, टी एन है हमारे पास 99। सो 12 प्लस 3n माइनस 3, सो 3n, चलो उसको भी दे देते हैं यहाँ पे, 99 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 विल बी 9, दैट इज इक्वल टू सॉरी 9 प्लस 3n, सो 3n प्लस 9 कैन बी रिटन एज 99, 3n प्लस 9 एंड 3n इज इक्वल टू 99 माइनस 9 विच इज 90, सो एन कैंसिल एज 30, यानी कि 30 जो होंगे डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर, 30 विल बी द एन, यानी कि देयर विल बी 32 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3। पे आपको थोड़ी सी नई चीज पता चली, आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे, टू डिजिट नंबर कितने डिवाइड हो जाएंगे थ्री से। तो ऐसे अगर आप सोचो तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 4, राइट। तो उनकी सीरीज कैसे बन जाएगी, फोर से डिविजिबल कौन सा पहला नंबर है दैट इज 12, उसके बाद सीरीज बनेगी 16, 16 प्लस 20, लास्ट टर्म जो डिविजिबल होगा फोर से वो कौन सा होता है 96, 4 2 8, 4 4 16, 90। और इसके आगे आप ऐड करोगे तो 100, दैट इज थ्री डिजिट नंबर। सो ऐसे करके आप फोर से भी कर सकते हो, फाइव से भी कर सकते हो, सिक्स से भी कर सकते हो, सेवन से भी कर सकते हो। आप क्वेश्चन पेपर सेटर पे मूड पे है वो किस नंबर से लिख देता है आपको। तो मैंने आपको जनरलाइज तरीका बता दिया है कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, आप ऐसे करके कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दे सकते हो। तो नाउ यू आर गोइंग टू बी जीनियस, नाउ कुछ भी आपको दे दिया यार एकदम, बस पेपर दो मेरे भी यार, बस मैंने करके खत्म किया, मतलब ऐसे लगी इतना ही नहीं है कि बस अब थोड़ा सा मुश्किल सी है, पी अभी तो एकदम आसान हो गई, बस अब दे दो मेरे को क्वेश्चन। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब इन्होंने कहा है थोड़ा सा क्वेश्चन टेस्ट किया, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, उन्होंने बोला कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस वन, राइट। यानी आपकी सीरीज जो है वो क्या है 10, 7, 4 माइनस 62, करेक्ट। आपको क्या निकालना है, पीछे से 11वां पूछा है उन्होंने, कैसे, जैसे एक मैं एक आसान सा क्वेश्चन लिखूं, ऐसे लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे कोई सीरीज लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था यहाँ से, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, राइट, ऐसे लिख रहा था। अभी इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे गलत बात है, ऐसे तो सब कोई बता देता है, मैं आपसे कैसे कह रहा हूँ निकालने के लिए, आप यहाँ से बताओ
इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म 11th टर्म निकालना, यानी कि यहाँ से आप शुरू करोगे, ये आपका पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, और यहाँ से करते करते आप चले जाओ और पहुंचो आप 11th में, और उसमें बताओ आप 11th टर्म कौन सा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आप आगे से नहीं पूछा गया, पीछे से पूछा उन्होंने, पीछे से 11th बताओ। आप सोच रहे हो सर इसका तो फॉर्मूला ही नहीं बताया, फिर कैसे करेंगे? तो हम इसी को फॉर्मूला को यूज करेंगे और थोड़ी सी ट्रिक्स लगा के। पहले क्या करता हूँ मैं, इसमें निकाल लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितने इस वाली सीरीज में, ठीक है? यानी कि लास्ट टर्म अगर हम मान लें एल, या कह लें टी एन, सो दैट इज अवर -62, ठीक है? और इस वाली इक्वेशन में सीरीज में ए कितना है फर्स्ट टर्म, दैट इज अवर 10। डी निकालें तो डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 - 10, दैट इज -3। फॉर्मूला लगाते हैं वही, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितना है बस, एल पहले तो एल लिख लेते हैं, एल इज अवर -62, ए इज 10, एन हमें निकालना है कि कितने टर्म हैं इस सीरीज में, एन माइनस वन इंटू डी, डी है हमारे पास -3, ठीक है? सो -62 इज इक्वल टू 10 - 3n + 3। अब ये सॉल्व करना तो आ ही गया होगा, 3-4 क्वेश्चन कर चुके हम लोग, नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे एग्जाम्पल देख लो मेरे से, ठीक है? दिस बिकम्स एज 3n, इस 62 को मैं राइट में ले जाता हूँ, सो दिस बिकम्स एज 62 + 10 + 3, एंड दिस बिकम्स एज 75, 3n, सो n बिकम्स एज 3 2 6, 35 सा, यानी कि 25 टर्म्स इस सीरीज में है, ठीक है? ट्वेंटी फाइव टर्म्स हैं इसमें, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा, एक थोड़ा सा टिप दे देता हूँ इसमें, थोड़ा सा टिप दे देता हूँ। जैसे ये जो सीरीज करी थी हमने, इसमें 1 2 3 यहाँ पे था, दिस इज वाज अवर फोर्थ टर्म, ये हमारा फिफ्थ टर्म था, ये हमारा सिक्स्थ टर्म था फ्रॉम द लास्ट, ठीक है? फ्रॉम द लास्ट। अब अगर मैं इसको स्टार्ट से लिखूं, स्टार्टिंग से, तो जो टर्म लास्ट से आ रहा है वो इस सीरीज पे आ रहा है। अगर आप स्टार्ट से बात करो, स्टार्टिंग से, ठीक है? तो स्टार्टिंग से कहाँ आ रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, टर्म कितने, 1 2 3 4 5 6, ओके, दिस सिक्स्थ इज इट कंप्लीट टर्म, ठीक है? सो दिस इज अवर सिक्स टर्म, करेक्ट? अब जो टर्म स्टार्टिंग से फोर्थ है, जो टर्म स्टार्टिंग से फोर्थ है वो पीछे से थ्री है, ये तो बड़ा मुश्किल है, यानी कि फ्रॉम स्टार्ट विच इज फोर, और फ्रॉम द एंड, फ्रॉम स्टार्ट एंड, चलो ऐसे देख लेता हूँ, फ्रॉम स्टार्ट एंड फ्रॉम एंड, तो जो यहाँ पे फोर है वो यहाँ पे थ्री है, और जो यहाँ पे फ्रॉम द स्टार्ट सिक्स पे है वो वहाँ पे वन पे है, जो यहाँ पे फाइव पे है वो यहाँ पे टू पे है, जो यहाँ पे फोर पे है वो यहाँ पे थ्री पे है, राइट? तो आप देख रहे हो कैसे ये वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं, राइट? और फोर के बाद फिर मैं लिखता हूँ थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे टू, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे वन, यहाँ पे सिक्स। तो या फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि कैसे इनको मैपिंग करी जाए, इनकी मैपिंग कैसे होगी। इसके मैपिंग फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उसमें, टोटल नंबर हमने निकाल लिए हैं एन। अगर आपको वही टर्म स्टार्ट से निकालना है तो कैसे निकालते हो आप, यानी कि फ्रॉम द एंड आपको जो टर्म नंबर निकालना है, यानी कि तो दैट विल बी कमिंग एज 25, यानी कि कितने नंबर पे आ रहा है, 25वें पे, तो 25 आप उसमें एक ऐड करो और माइनस कर दो स्टार्ट टर्म,
यानी स्टिल निर्णायक में इसको ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पे 25 + 1 की जगह मैं लिख देता हूँ इसको एन एक्चुअली, तो एन से क्या होगा आपको एक जनरलाइज टर्म मिल जाएगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ आपको एन, तो दैट विल बी n+1 माइनस स्टार्ट टर्म। तो जो यहाँ पे 11th टर्म आपको निकालना है, तो आप पहले क्या करोगे इसमें, यानी कि ये तो निकालना है एंड से, राइट, ये आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट टर्म इज इक्वल टू n+1 माइनस फ्रॉम एंड, यानी कि जो नंबर जब हमारा इधर से आएगा वो उधर से कितने पे आएगा। चलो मैं इधर से लेता हूँ, इधर इसमें थोड़ा सा है हमारे पास, तो अगर इसमें 25 के लिए कैलकुलेट करूँ तो, और इस 11th टर्म की बात करूँ, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा जो टर्म 11th फ्रॉम द लास्ट आ रहा है वो फ्रॉम द स्टार्ट कहाँ से आएगा, दैट विल बी कमिंग एज n+1, n+ यानी n निकाला हमने 25, यानी कि 25+1, ठीक है, दैट इज अवर 25+1, ठीक है, और माइनस फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड हमारा जो टर्म था वो 11th है, 11th निकालना है, यानी कि जो टर्म 11th एंड से आ रहा है वो स्टार्ट से कितने पे आएगा, दैट विल इज कमिंग एज 26 - 11, दैट इज 15th। मैं अभी तक सिर्फ ये निकाल रहा था कि जो टर्म पीछे से 11th पे आ रहा है वो आगे से कौन से नंबर पे पड़ेगा, जैसे ये मैपिंग करी थी ना हमने यहाँ पे, ये लाइक दैट, सो दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला, यानी कि जो टर्म पीछे से 11वें नंबर पे आएगा वो आगे से 15वें नंबर पे आएगा। तो हमें एक्चुअली निकालना है, बिकॉज हमें आगे का फॉर्मूला पता है, पीछे का फॉर्मूला तो पता नहीं, तो अब हम आगे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि आगे से यानी फ्रॉम स्टार्टिंग से 15th टर्म कौन सा होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द t15 एंड दैट विल बी द 11th टर्म व्हिच इज फ्रॉम द लास्ट व्हिच इज हैज बीन आस्क्ड, तो दैट विल बी a+n-1 × d, सो ए है हमारे पास यहाँ पे 10 और एन की वैल्यू है 15, दैट इज 15 - 1 = 14 इंटू डी, डी वी आर हैविंग एज -3, सो दैट कम्स एज 10 - 14 में -3 मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज कमिंग एज 42, सो 10 - 42 इज -32, ठीक है, सो दैट इज अवर आंसर, यानी कि फ्रॉम ऊपर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो फ्रॉम द लास्ट टर्म इलेवेंथ टर्म विल बी, आप ऐसे बोर्ड पेपर में लिख भी सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा पता नहीं चलता कि आपने क्या निकाल के बोला, आपसे निकाला बोला गया था आपने 11th टर्म निकालने के लिए, निकाल के रख दिया आपने 15, तो जब भी ऐसे टाइप क्वेश्चंस आए जहाँ पे क्लियर ना हो तो एग्जामिनर्स के लिए, तो उनको क्लियर कराने के लिए, ताकि जो पेपर कॉपी चेक कर रहा हो आपको, तो उसको पता चल जाएगी आपको क्या निकालना है, तो आप ऐसे लिख दो उसको, दिस इज 15 फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम द लास्ट इट इज द सेम टू दिस वन, सो द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म 11th टर्म विल बी, क्या निकाला है हमने, -32, सो दैट विल बी अवर आंसर, क्लियर, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड ऑल्दो वी आर हैविंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स बट वी हैव हैविंग आई एम हैविंग दिस शॉर्ट ऑफ टाइम, सो लेट्स होल्ड ऑन टिल नाउ, एंड मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ये सारे एग्जांपल्स आप खुद से एक बार ट्राई करो, मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा भी दो या तीन दिन में फिर से अभी मैं आपको ये वीडियो डाल दूंगा नेक्स्ट वाला, तो उसमें क्या करूंगा मैं आपके जो एग्जांपल्स रह गए हैं वो एग्जांपल्स एंड प्लस यू जस्ट ट्राई एक्सरसाइज नंबर 5.2, और जो उसमें क्वेश्चंस हो आप वो लिखिएगा, ठीक है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो कि एक्सरसाइज करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो मैं एग्जाम्पल्स के साथ साथ तो आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, सो लेट्स स्टॉप फॉर द डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग, अभी थोड़ा सा कोरोना की वजह से स्कूल्स भी बंद हैं, तो आपके पास टाइम काफ़ी रहता है, आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, बिकॉज आपका 10th है इस बार, तो
टाइम वेस्ट नहीं करें, बिकॉज होगा क्या कि आपको जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट होगा, आपको पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, आपका पेपर तो फेब में ही स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? तो पेपर फेब में ही स्टार्ट हो जाएंगे, सेशन स्टार्ट होगा आपका जुलाई में, तो उससे अच्छा है। वैसे बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन करा रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन, लाइव क्लासेस हो रही है उनकी, तो जस्ट उसको यूज़ करो, आप मन लगा के पढ़ाई करो। और मैथ्स पे स्पेशल फोकस की जरूरत होती है, तो आप स्पेशल फोकस करें मैथ्स पे, ठीक है? कुछ भी डाउट्स हो तो इमीडिएटली आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको मेल करना है तो आप मेल भी कर सकते हैं, ये matrixlearning@gmail.com, मैं वीडियो में नीचे हेडर पर डाल दूंगा, तो आपको मेल आईडी मिल जाएगी क्या है भाई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि जब से जैसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मैंने आप वीडियो अपलोड किया, आप इमिडिएटली उसको वॉच कर सकते हो, सो दैट कि आपका रेगुलरिटी ख़त्म ना हो, आप कंटिन्यूसली टच में रहें पढ़ाई के, ठीक है? थैंक यू गैस एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, घर से बाहर ना निकले, दैट्स ग्रेट, थैंक यू गैस।